पत्नी के किसी और से प्रेम संबंध की शंका में पति ने उसकी आधी रात को गला दबाकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले की जानकारी मृतका के परिजनों को दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव मायके पक्ष को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों का विवाह करीब 15 साल पहले हुआ था। न्यूज़ लाइव एमपी के लिए रतलाम से सुशील खरे की रिपोर्ट। ये कल रात की घटना है। अनीश कुरैशी अपनी पत्नी नाजमीन के सामने धराई जी आवास में रहता था। असल में अनीश कुरैशी ड्राइवर था और अक्सर बाहर रहता था और उसको काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी पर चारित्रिक रूप से संदेह था कि वो किसी सलीम के साथ में बातचीत करती थी। कल जब वो 9-10 बजे अपने घर आया, उसकी पत्नी ने खाना भी नहीं बनाया था, फिर उसने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। इसके बाद उनका कुछ कहा सुनी हुई इसी बात को लेकर। तो आरोपी का कहना है कि जो रतिका है नाजनी, उसने अपना छुपा हुआ फ़ोन निकाला और ये कहा कि मैं सलीम के साथ ही जाऊँगी, और उसी बात पर इनकी तीखी नौजोक हुई। और उसी दौरान आरोपी अनीस ने अपनी पत्नी नाजीम का गला दबाकर हत्या कर दी। उस पर से थाना स्टेशन रोड पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया। तो आरोपी ने यहाँ तक गिरफ्तार की, कैसे मामले खुलासा कैसे होगा? आरोपी हमारे गश्त अधिकारी को रात में मिला, अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहा था। चूँकि रात को लगभग 12:30-1 बजे एक व्यक्ति दो छोटे बच्चों के साथ जा रहा था, तो गश्त अधिकारी को शंका हुई। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने स्वीकार किया कि मेरी पत्नी जो है चरित्र की ठीक नहीं है और इस कारण से मैं उसकी हत्या करता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। www.newslivemp.com